हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज मतलब गैसों का परिवहन। यहाँ गैसेज का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी गैसेज, श्वसन गैसेज। तो रेस्पिरेटरी गैसेज में कौन है? O2 एंड CO2। O2 और CO2 को हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेज कहते हैं। तो यहाँ पर गैसों का परिवहन का मतलब रेस्पिरेटरी गैसेज का परिवहन है, अर्थात O2 और CO2 का परिवहन है। इस टॉपिक में हम लोग O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, परिवहन देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी गैसेज CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट के लिए एक माध्यम होता है, जो माध्यम ब्लड है। ब्लड किसी भी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे हम लोग के जो है रेल है, बस है, मतलब किसी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक मीडियम की जरूरत होगा, ढोने वाला कोई होगा। तो यहाँ पर मीडियम का काम कौन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के लिए? ब्लड। तो हम लोग यहाँ पर नोट किए हैं कि ब्लड इज द मीडियम माध्यम। तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज CO2 एंड O2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज CO2 एंड O2 का माध्यम ब्लड होता है। तो इसमें O2 जो है, O2 दो रूप में ढोए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक जो है RBC के द्वारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर जो है ऑक्सीजन को ढोया जाता है। तो 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन जो है RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और 3% जो है, 3% जो है O2 प्लाज्मा के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो डिजोल्व फॉर्म में मैंने घुलित अवस्था में 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी तरह से CO2, तो CO2 यहाँ तीन रूप में ढोया जाता है, 3 forms है CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। एक जो है RBC के द्वारा, वो RBC के द्वारा 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। 7% फिर प्लाज्मा के द्वारा, जो डिजोल्व फॉर्म मतलब घुलित अवस्था में। और तीसरा है जो है बाइकार्बोनेट के रूप में, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट के, बाइकार्बोनेट के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग O2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ज़्यादातर O2 जो है मतलब 97% RBC के द्वारा ढोया जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात होती है तो इसका अधिकतर CO2, ज़्यादातर CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के बारे में देखते हैं। ये हीमोग्लोबिन है। O2 के ट्रांसपोर्ट के दौरान जो है हीमोग्लोबिन जो RBC में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन जो है एक रेड कलर, लाल रंग का आयरन कंटेनिंग, आयरन रखने वाला एक पिगमेंट है जो RBC में पाया जाता है। हम लोग हीमोग्लोबिन को जानना होगा, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 अगर ठीक से समझना है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन को जानना जरूरी है, क्योंकि अधिकांशतः जो है O2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन जो प्लाज्मा RBC के द्वारा होता है, और RBC में जो है हीमोग्लोबिन होता है, वही हीमोग्लोबिन वास्तव में O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। HbO2 कुछ हो गया ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिस तरह से हम लोग कहे तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं।
ये जो है एक एक वन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिममली चार फोर मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसको हम लोग यहाँ नोट किए हैं कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम फोर मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो यहाँ पर जो है फोर जो है कर दे तो फोर मॉलिक्यूल तो HB4 ऐसे जो है इस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का ये रिवर्सिबल प्रोसेस से होता है। जब एल्वियोलाई जो लंग्स का एयर सैक है एल्वियोलाई लेवल पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब टिश्यू में जाता है टिश्यू लेवल पर तो वहाँ पर यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटकर फिर जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के रूप में डिसोसिएट कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन रिवर्सिबल, यहाँ रिवर्सिबल का चिन्ह दिया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है साइन है। तो यहाँ जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है होता है, ताकि एल्वियोलाई में जो है ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है लेकिन टिश्यू लेवल पर जाके ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है। और हम लोग कुछ किए हैं, लिस्ट किए हैं, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। सामान्य स्थिति में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू में क्या करता है, डिलीवर करता है, सप्लाई करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ O2, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ml O2 को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। और 100 ml ब्लड में जो है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इस तरह से हम लोग कहे तो 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड जो है 20 ml ऑफ O2 को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये अपना जो है एक वैल्यू है, इसको अपना देखना है। इसके बाद में जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये ग्राफ हम लोग जो है एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। परसेंटेज इधर जो है वाई अक्ष पर हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो एस शेप्ड ग्राफ आता है, सिग्मोइड ग्राफ आता है। इसी ग्राफ को, इसी कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो इसमें ग्राफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है किसके बीच का ग्राफ है, तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जब हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन का ग्राफ जो है पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट में खींचते हैं और जो ग्राफ हम लोग को प्राप्त होता है उस ग्राफ को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ये सिग्मोइड होता है एस आकार का, और इस कर्व का उपयोग जो है हम लोग कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर इत्यादि जैसे फैक्टर्स है जिसका इफेक्ट जो है
ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में क्या उसका जो है इफेक्ट है, उसका स्टडी करने में इस ग्राफ का जो है अहम भूमिका है। जब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इन एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई जो हम लोग हवा जो है वायु जो हम लोग इंस्पायरेशन के द्वारा लेते हैं लंग्स में जाता है, लंग्स के एल्वियोलाई में ही जाके जमा होता है, स्टोर होता है। तो एल्वियोलाई में जो है ये जो है पांच कंडीशन है एल्वियोलाई के अंदर का। वहाँ एल्वियोलाई में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा, लो प्रेशर, लो जो है पार्शियल प्रेशर CO2 का होगा, लो हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, लो टेम्परेचर होगा और हाई pH होगा। जब इतना फैक्टर एल्वियोलाई में, जब इतना फैक्टर एक साथ जब मौजूद होगा तो वहाँ पर जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, मतलब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से क्या कर जाएगा, जुट जाएगा। तो ये कंडीशंस जो है एल्वियोलाई में होता है, इसीलिए एल्वियोलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एल्वियोलाई में ये पांच फैक्टर्स का होना जरूरी है। अगर इन पांचों फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर अगर अल्टर हो जाता है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो एल्वियोलाई में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई pH होना चाहिए एल्वियोलाई में, तब जो है एल्वियोलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुटेगा। जब जब वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यू में जाएगा, टिश्यू लेवल पर जाएगा, तो टिश्यू के अंदर जो है ठीक इसके उल्टा कंडीशन होना चाहिए। अगर हम एल्वियोलाई के अंदर का अगर कंडीशन अगर याद कर ले तो ठीक है उसके उल्टा जो है टिश्यू के अंदर का कंडीशन कर देना है, तब जाके वहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग होकर ऑक्सीजन जो है टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो टिश्यू के अंदर जो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, हाई टेम्परेचर होगा और लो pH होगा। ये पांच कंडीशन टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं तब जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट कर जाते हैं, अलग कर जाते हैं और ऑक्सीजन जो है टिश्यू में चला जाता है और हीमोग्लोबिन फिर जो है नेक्स्ट ऑक्सीजन को कैरी करने चला जाता है। तो एक कंडीशन जो है एल्वियोलाई के अंदर क्या होना चाहिए और टिश्यू के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट कंडीशन है। चूँकि यहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होना है, यहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना है, इसलिए कंडीशन निश्चित है कि अपोजिट होगा। इसके लिए एक बोर जो है, बोर इफेक्ट, बोर वैज्ञानिक है, उन्होंने एक अपना जो है प्रभाव दिया था कि डिसोसिएशन माने विखंडन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो है टिश्यू के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसी को बोर इफेक्ट कहा जाता है। बोर इफेक्ट का मतलब हो गया कि टिश्यू के अंदर अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन विखंडित हो जाएंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का विखंडन हो जाएगा। इसी घटना को बोर इफेक्ट कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में इतना है, अब फिर अगले वीडियो में हम